नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो वीडियो लेके आया हूँ मैं, ये वीडियो एक एडुकेशनल वीडियो है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, ये निफ्टी 50 का 2024 मतलब 2024 जनवरी से 2024 दिसंबर तक क्या प्रोबेबल रेंज रह सकता है, मतलब अनुमानिक रेंज, इस रेंज का हाई क्या रहेगा, इस रेंज का लो क्या रहेगा, इस साल निफ्टी का क्या एवरेज वैल्यूएशन रहेगा, जिसको लेकर के आप डिसीजन ले सकते हैं कि निफ्टी अभी किस दाम जो जो रेट चल रहा है मार्केट में वो क्या ज़्यादा है क्या कम है। ठीक है, तो ये वीडियो को आप एंड तक देखिए क्योंकि 2024 का डिस्कशन के बाद मैं 2023, 22, 21 और 20 ये चारों साल का जो रेंज था प्रोबेबल रेंज, उस रेंज के हिसाब से कैसा निफ्टी परफॉर्म किया ये भी शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और एडुकेशनल वीडियो है इसलिए लंबा होगा, तो ये वीडियो को पूरे एंड तक देखिए तभी आपको इस वीडियो से आपको मतलब पूरा समझ में आएगा कि किस हिसाब से निफ्टी चल रहा है। ठीक है, अभी 2024 का चालू करते हैं डिस्कशन। ये है आपका 2024 का प्रोबेबल रेंज, ये जो मैक्स है MAX, ये है मैक्सिमम, जितना मैं अनुमान कर रहा हूँ कितना मैक्सिमम हो सकता है वो है 26,163.2 इंडेक्स का, और उसका मिनिमम क्या है, इस रेंज का मिनिमम क्या रह सकता है वो है 13,081.6 13,081.6। और निफ्टी 50 का जो मीन वैल्यूएशन रहेगा वो है 19,622.4। ठीक है, और LT क्या है, लॉन्ग टारगेट, अगर कोई लॉन्ग रहेगा तो ये लॉन्ग का टारगेट है क्योंकि ये लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। ठीक है, और ब्रेकआउट भी हुआ अगर बहुत बुलिश रहा तो ये मैक्स टारगेट भी हिट कर सकता है, अगर बहुत ज़्यादा बुलिश रहना पड़ेगा निफ्टी को, अगर मॉडरेटली बुलिश रहा तो ये 22,892.8 का टारगेट का हिसाब से आदमी लॉन्ग करेगा, समझ रहे आप। और अगर बियरिश रहेगा, मॉडरेटली बियरिश रहेगा, तो पहले तो मीन ब्रेक करना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे कि निफ्टी बियरिश हुआ है। अगर मीन साल भर में मीन ब्रेक नहीं किया, 19,622.4 अगर ब्रेक किया ही नहीं तो बियरिश बोलना, निफ्टी को बियरिश बोलना गलत है, बोल नहीं सकते आप बियरिश, रेंज बाउंड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बियरिश नहीं बोल सकते है। ये बियर मार्केट चल रहा है ये तो कभी नहीं बोल सकते आप। पहले 19,622 को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके नीचे मंथली क्लोजिंग होगा या डेली क्लोजिंग होगा वीकली क्लोजिंग होगा तभी आप बोल सकते हैं कि हाँ धीरे अभी सेंटीमेंट चेंज हो रहा है, उसके पहले तो कोई नहीं बोल सकता। तो वो अगर हुआ, मीन ब्रेक अगर हुआ इस साल, तो निफ्टी का सेंटीमेंट अगर बुलिश से बियरिश हो गया तो ये शॉर्ट का टारगेट रहेगा 16,352, ये शॉर्ट टारगेट है, और बहुत ज़्यादा बियरिश हो गया तो MIN जो मिनिमम लिखा हुआ है ये भी हिट हो सकता है। और अगर एकदम से मतलब वैसा बियरिश होना, मतलब आज तक वो 2008 के टाइम में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उस टाइम पे शायद हुआ होगा, तो ऐसा है। और अगर बुलिश है जैसा आप देख रहे हैं लास्ट 2-3 साल 4 साल से निफ्टी बुलिश ही है, उठता ही आ रहा है, तो बुलिश के हिसाब से आप ये 22,892 का टारगेट लेके चल सकता है, ये साल के कभी भी हो सकता है जनवरी से लेके दिसंबर तक। ठीक है, तो ये है इसी, अभी देखिए ये लेवल्स को मैं चार्ट में ड्रॉ करूँगा, ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये निफ्टी परफॉर्म कर सकता है, इसको पहले चार्ट में ड्रॉ कर लेंगे हम लोग।
और एक बात जो है, ये जनवरी का जो चालू हुआ ट्रेडिंग, जनवरी का ट्रेडिंग निफ्टी फ्यूचर में कब चालू हुआ? जब दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी हुआ। दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायरी हुआ अपना? दिसंबर 2023 का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ 28 दिसंबर को, ठीक है? तो उसी दिन से जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव ट्रेडिंग चालू हो गया। उसके पहले जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट चालू था, बट वो एक्टिवली ट्रेडिंग ट्रेड नहीं हो रहा था। अभी जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है जनवरी, वो कब से एक्टिव हुआ? वो आपका 28 दिसंबर से, तो उसी दिन के हिसाब से चालू हुआ इस साल का ट्रेडिंग, समझ रहे आप? तो ये है 2024 का मेरे हिसाब से प्रोबेबल रेंज। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करके लेके सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, वो आपके मर्जी के ऊपर, ठीक है? बट आप एक चीज अपने दिमाग में घुसा लीजिए, क्या है ये? एक अनुमानिक रेंज है, और इसलिए मैं लिखा हूँ स्ट्रिक्टली फॉर एडुकेशनल यूज। जो लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं मार्केट को, रेफरेंस पर्पस के हिसाब से इसको आप यूज कर सकते हैं। इसको बेस करके आप ट्रेड लेंगे तो उसका रिस्क आपके ऊपर है। अभी देखिए, ये निफ्टी इंडेक्स का चार्ट पर जो अभी डिस्कस किया मैं, जो 2024 का क्या रेंज रहेगा, उसी रेंज को मैंने ड्रॉ कर लिया इधर चार्ट के ऊपर। तो अभी जब मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, आज आज का डेट है आपका, आज संडे है, और आज का डेट है आपका 21 जनवरी 2024। तो देखिए, ये लास्ट सैटरडे को अपना इस हफ्ते ट्रेडिंग हुआ, क्योंकि 22 तारीख को राम मंदिर का ओपनिंग के लिए जो छुट्टी दिया है, तो उसी के कारण सैटरडे को ट्रेडिंग सेशन रखा गया। तो ये सैटरडे का क्लोजिंग कितना था निफ्टी स्पॉट का? 21,571.8। आगे तो ब्लैंक चार्ट है, अभी मंगलवार को मार्केट खुलेगा फिर। तो अभी देखिए, ये जनवरी का ट्रेडिंग जैसे मैं पहले डिस्कस कर रहा था, चालू हुआ 28 दिसंबर से। 28 दिसंबर को निफ्टी 50 का स्पॉट क्लोज हुआ था 21,778.7। वहां से इस साल का जर्नी चालू किया निफ्टी 50 फॉर 2024। तो लॉन्ग टारगेट अपना, जैसे आप पहले भी रिवाइंड करके देख सकते हैं, यहाँ पर भी नोट करके रखा है मैं, 22,892, ये अपना लॉन्ग टारगेट है इस साल के लिए। तो अभी तक तो जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट 25 तारीख को एंड हो जाएगा, निफ्टी 50 का फ्यूचर भी ये कॉन्ट्रैक्ट को अभी तक हिट नहीं कर पाया। तो अभी कैसा है इस साल, अगर ये लॉन्ग टारगेट हिट होने से पहले अगर मीन ब्रेक कर लिया तो एक क्रैश का आप अनुमान कर सकते हैं इस साल तक एंड में। अगर ये ऐसा हुआ तो, अभी तक तो हुआ नहीं है, हम लोग बोल नहीं सकते कि आगे होने वाला है। फेब्रुअरी महीने में शायद देखिए निफ्टी चढ़ के 22,900 के आसपास जाके एक दिन क्लोजिंग कर दिया, तो उस टाइम पे उस वो अगर हो जाता है पहले इसके ऊपर, लॉन्ग टारगेट के ऊपर अगर पहले क्लोज होता है कोई भी एक्सपायरी में, निफ्टी फ्यूचर का स्पॉट का क्लोजिंग अगर इसके ऊपर हो जाता है, उसके बाद अगर वो होने के बाद अगर कभी भी इस साल के बीच में मीन ब्रेक करता है, तो उस टाइम पे शॉर्ट करना बेवकूफ़ी रहेगा, ठीक है? अगर ऐसा नहीं होता है, सबसे पहले मीन अगर ब्रेक हो जाता है, जैसे 19,622.4 जो एवरेज वैल्यूएशन है, मीन वैल्यूएशन, ये अगर पहले टूटता है, तो उस वो टूटने के बाद अगर कोई बाई द डिप करने जाएगा तो उसको बहुत लॉस होने का संभावना है मेरे हिसाब से। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये मेरा हिसाब है। अगर लॉन्ग टारगेट टेस्ट नहीं कर पाया निफ्टी, उसके पहले मीन ब्रेक कर लिया, एवरेज वैल्यूएशन को ब्रेक कर लिया, तो मतलब तो लॉजिक है ना, समझ लीजिए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है कोई भी कारण से। क्या कारण है ये तो अभी नहीं बता पाएंगे, उस टाइम पे क्या सिचुएशन रहेगा मार्केट का, क्या जियोपॉलिटिकल कंडीशन होगा, क्या हो सकता है, ये तो हम पहले से कभी नहीं बता सकते। जैसा जैसा आदमी का आगे बढ़ता रहता है टाइम, उस वजह से पता चलता है कि क्या हो रहा है अभी दुनिया में। तो मेरे हिसाब से इस साल का देखिए
मार्किंग यही है। आप ये चार्ट का भी फोटो ले सकते हैं अगर आपको रखना है रेफरेंस पर्पस के लिए। तो ये 2024 का अपना ये मेरा हिसाब से रेंज है, अनुमानिक रेंज क्या है। मैक्सिमम है आपका 26,163.2 और मिनिमम है 13,081.6 और एवरेज वैल्यूएशन है 19,622। और अभी जब मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ अभी आपके सामने दिख रहा है निफ्टी का क्लोजिंग है, लेटेस्ट क्लोजिंग है 21,571.8 यहाँ पर निफ्टी है। और आज है आपका 21 जनवरी 2024 और ये रेंज वैलिड रहेगा टिल दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 का कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होगा यहाँ से मोटा मोटी देख के लोग बोल सकते हैं। दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, एक मिनट, छब्बीस दिसंबर 2024 को ये रेंज वैलिड रहेगा कैलकुलेशन के हिसाब से। इसके बीच में जो होना है अभी वही मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर पहले लॉन्ग टारगेट ब्रेक हो गया उसके बाद अगर मेन ब्रेक होता है तो वहाँ से रिकवरी हो जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, और अगर पहले लॉन्ग टारगेट ब्रेक नहीं होता है और मेन ब्रेक होता है उस ऐसा सिचुएशन अगर हुआ 19,622 ब्रेक कर लिया वो लॉन्ग टारगेट बिना जा करके, तो वहाँ पर खरीदना बहुत जोखिम वाला काम हो जाएगा, क्योंकि वो शॉर्ट टारगेट तब जाने शॉर्ट टारगेट तक पहुँचने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है अगर ऐसा हुआ तो। ऐसा होने से बहुत दिक्कत होगा, मार्केट बहुत नीचे आ जाएगा। और अगर पहले मीन लॉन्ग टारगेट हिट हो गया उसके बाद अगर मीन आता है तो आप सबके लिए बहुत बढ़िया है, वहाँ खरीदना है वो आपको साल के एंड तक प्रॉफिट दे सकता है। अच्छा अभी जो है अभी इनडिसीजन है मार्केट में, सीधा बात है, ठीक है। अभी साल सभी चालू हुआ है, जनवरी अभी ख़त्म होने वाला है, जनवरी ख़त्म होने में और एक हफ्ता है, तो अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर, आपको वेट करना है, एक तरफ जाना है मार्केट को, या तो लॉन्ग टारगेट पहले हिट करेगा या तो मीन आएगा, दोनों में से एक होगा, अब देख लीजिए इसको। तो यही है 2024 का हिसाब मेरे हिसाब से, और ये कोई आपका लिखित नहीं है कि यही होने वाला है, ये मेरा कैलकुलेशन है। ऐसे मेरे जैसा बहुत सारा एनालिस्ट है मार्केट में जो अपना अपना हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है, ये मेरा हिसाब है और मैं लास्ट 4 साल से यही हिसाब लेके काम कर रहा हूँ मार्केट में। तो अभी ये हो जाने के बाद मेरे को जो लग रहा है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये 2023 का इसी वीडियो में अगर डिस्कस करेंगे तो मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो को पार्ट वन करके यही कंक्लूड कर देता हूँ और एक दूसरा पार्ट का वीडियो में डाल रहा हूँ, जिस पार्ट में मैं 2023 का जो रेंज था सेम कैलकुलेशन मेथड से मेरा उसी रेंज के हिसाब से कैसे परफॉर्म किया मार्केट वो पार्ट टू में मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। और ये 2024 का ही वीडियो रहेगा और इसमें आप 2024 का हिसाब में पूरा क्लियर कर दिया इधर क्या हो सकता है, और 2023 का तो और क्या हो सकता है ये नहीं है, वो क्या था और कैसे किया मार्केट ये हम बताएंगे उधर। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और आप अगर 2023 का कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसको फॉलो करके देख सकते हैं 2023 में क्या रेंज था और कैसे मार्केट परफॉर्म किया। तो ये वीडियो देखने के लिए एंड तक आपको धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, अगर इसमें कुछ आपको क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो डालता रहता हूँ, जो जो मेरे को लगता है डालना चाहिए वो मैं डालते रहता हूँ। और चैनल को अपने के दोस्त के बीच में अगर है कोई आपका दोस्त जो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखता है, मार्केट से इंटरेस्टेड है, उसमें आप शेयर कीजिए, बिल्कुल शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।